जो यार नो जी जी ओके ताहिर साहब मेरा ख्याल है निकलना पड़ेगा। अच्छा चले ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। जवाब भाई अब हम आपसे करेंगे कुछ बाउंसर नुमा सवालात, कुछ तुंदो तेज सवालात होंगे, तो आप तैयार हैं सर? जेड ए भुट्टो या फिर जियाउल हक? जेड ए भुट्टो सर। डॉक्टर लाल खान या फिर डॉक्टर मुबशर हसन साहब? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर लाल खान साहब जो थे वो थ्योरेटिकल रहे, लेकिन डॉक्टर मुबशर हसन साहब जो थे उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया, तो आप किसको चूज करेंगे सर? डॉक्टर लाल खान हर सूरत में उनसे बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि एडियोलॉजी के लिए वो बहुत ऊपर के आदमी थे। बिल्कुल ठीक। माहिरा खान साहिबा या सबा कमर साहिबा? दोनों अच्छी हैं। ऐसे नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स को छोड़ के बात करेंगे हम। प्लीज दिलों दसो दिलों यार ये सर आप पीआर के बंदे हैं तो नहीं, लेकिन आपने दोनों के साथ पीआर बड़ी अच्छी चलाई है। ओके सेमी सियासी सिंगर शहजाद रॉय साहब या फिर अब्राहुल हक साहब? अब्राहुल हक। शहजाद इज मोर टुवर्ड सोशल वर्क। हां जी हां जी बिल्कुल ठीक। फेवरेट म्यूजिक बैंड सर आपका, जुनून या फिर फ्यूजन? जुनून। जुनून ओके। हालांकि सलमान अहमद जो है उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा इस वक्त सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन जुनून जो है वो बड़ा बैंड था। क्या बात है। चौधरी की बात सब है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मोहसिन मैं तो कहना चौधरी नु मुल्क बदर कर दियो, इन जवेद अख्तर दे पीछे ही टोर दे। तो जो आपके मुजस्मे हैं वहां पर आपके साथ क्या करना चाहिए हमें? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? खुदा दा वास्ता छोड़ दिया जाए। ओके छोड़ दिया छोड़ दिया। सर फेवरेट जूनियर आपके कौन है, अली सेठी या फिर साहिर अली बग्गा? साहिर अली बग्गा। ये मुझे पता था कि आप साहिर अली बग्गा साहब का नाम लेंगे, लेकिन आपके कानों से वो गुजरा ही होगा, अगला मजबूरी नो आन जान दे पसूड़ी नो जहर बने हाँ तेरी तीजावा मैं पूरी नो आना सीओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया। नहीं अच्छा मुझे नहीं लगता कि अली की अपनी ट्यून है। ऑफ कोर्स नहीं होगी, जुल्फी की हो सकती है। हाँ लेकिन मेरा ख्याल है कि बग्गे ने जो गाने बनाए हैं ना, मेरे साथ बहुत काम किया बग्गे ने, अबरार के साथ भी किया जी, जी। लेकिन मेरे साथ तो आप समझेंगे स्टार्ट ही उसने मेरे साथ किया था, अब मेरे साथ कोई 7-8 साल रहा है वो, तो उसको पता है कि कमर्शियल म्यूजिक क्या होता है। आई एग्री वैसे। तो जो कमर्शियल म्यूजिक है ना वो मेरा ख्याल है कि बग्गे का बेहतर है। सर फेवरेट प्लेबैक सिंगर मेल, मोहम्मद रफी साहब या फिर किशोर कुमार साहब? किशोर कुमार। ओके सर। नहीं आप अगर मेरे से इख्तलाफ करना चाहते हैं जी, मैं कर चुका हूं सर। मैं रफी साहब के पैरोकारों में से हूं सर, इस वजह से मैं यहां पे एक बात करता हूं। हो सकता है ये जो मेरा ये जो क्लिप है ना इस पे डिबेट बन जाए, इस पे क्रिटिसिज्म हो। मोहम्मद रफी जो थे ना वो उनका गला बहुत तैयार था, बड़े जबरदस्त वो सिंगर थे, उनकी पिच बहुत हाई थी, मतलब उनका स्केल ऑक्टेव्स उनके पास बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो पक्का सुर था वो किशोर कुमार का था। अगर आप मोहम्मद रफी के बेस्ट गाने निकालें और किशोर कुमार के बेस्ट गाने निकालें तो आपको पता चलेगा जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा था कि किशोर कुमार के जो सुर है ना वो ज़्यादा बोलता है, मोहम्मद रफी कहीं ना कहीं आपको वो होते नजर आएंगे। लेकिन चूंकि मैं तो इन दोनों के आसपास भी नहीं पहुँच सकता ना, मेरे लिए तो दोनों इतने बड़े हैं कि मैं तो सिर्फ कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंपेयर साइंटिफिकली कर रहा हूं। ओके फेवरेट प्लेबैक सिंगर फीमेल, आजहानी लता मंगेशकर साहिबा या फिर मैडम नूरजहां साहिबा? अब इस पे अब फिर आप साइंस को इन्वॉल्व करेंगे? नहीं इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। देखें अच्छा, ओके लता मंगेशकर जो है उन्होंने जो गाया है ना उर्दू, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी नजीर कहीं मिलती है। जो यार नो प्लीज जी जी ओके ताहिर साहब मेरा ख्याल निकलना पड़ेगा। अच्छा चलें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।